गाइस, तो आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है रात के 12 बजे का। और देखो सरप्राइज देने भूमिका दीदी आ गए। हेलो, मुझे उम्मीद थी। थैंक यू। आ जाओ आ जाओ, किधर? उधर बैठक में। थैंक यू। मुझे उम्मीद थी। प्लान किया था सरप्राइज, तो इस बार भी उसने प्लान किया। और इस बार मुझे बैंगल्स का बहुत शौक है, तो इस बार वो रात में ही गिफ्ट भी दे गई बैंगल्स, तो मुझे बहुत सुंदर लग लगी। खुश हो जाएगी। मुझे चाकू मिल गया अपना। अरे नहीं, चाकू है। गंदे चाकू, उधर जाओ। चलो, हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे। नहीं, यही भूल गए। नहीं, ये नहीं कटेगा, ये सबसे बढ़िया। तो आपको पता है, जब ये केक पे ना वो हैप्पी बर्थडे लिख रहा था, तो अरे वो बोलते कि अरे बर्थडे नहीं है, एनिवर्सरी है। सच में मैंने एनिवर्सरी को भी बर्थडे ही पढ़ा। काटो। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू भाभी एंड भैया। थैंक यू। तो अब हो गई है मॉर्निंग 25 नवंबर, और मैं नहा के तैयार हो गई हूँ आज के दिन की शुरुआत के लिए। बहुत ज़्यादा हम कुछ करने नहीं वाले, क्योंकि मैं अभी बाहर कहीं जा नहीं सकती हूँ। तो बस मैंने सबसे पहले पूजा की, भगवान जी को भोग वगैरह लगाया। उसके बाद मेरे पापा आ रहे थे, भाई आ रहे थे, मम्मी आ रही थी, तो हम लोग सारी तैयारी करके उनका वेट कर रहे थे। क्योंकि मम्मी तो थोड़ा लेट आने वाली थी, बट भाई और पापा जल्दी आने वाले थे, वो आ गए थे। उसके बाद तो मुझे जो गिफ्ट मिलने शुरू हुए, पापा ने मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए हुए थे। ये गजट ले आया मैं। थैंक यू। तुम अपना मेवा। अरे वाह, थैंक यू। खाओ पियो। ये आशीष का है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। ये तुम्हारा है जैसा। अरे वाह, थैंक यू, ये तो पसंद आया। ये है तुम्हारा रसगुल्ला एंड पार्टी। अरे वाह, थैंक यू। ये विभू लाए हैं, इनका विभू। थैंक यू। मेरे भाई ने दिया, और बाकी सारी चीजें मेरे पापा लेकर आए थे, और फिर सबने रुपए दिए थे, तो काफी सारे गिफ्ट्स मिल गए थे। इस हिसाब से गिफ्ट्स का सिलसिला खत्म हुआ, और हुआ चाय नाश्ता शुरू। चाय नाश्ते के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, साथ में फ़ोटो खिंचाया। उसके बाद पापा को वापस जाना था, तो फिर उनके जाने का टाइम हो गया। तो मुझे फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पापा जा रहे थे, बट उन्हें बहुत अर्जेंट काम था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। विभू और मम्मा तो रात में स्टे करने वाले थे। फिर पापा के जाने के बाद मैंने सोचा गिफ्ट देखती हूँ। तो ये मेरा भाई दिल्ली से सेट लेकर आया था, और मुझे मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा ये। प्लस वो मेरे लिए आई मास्क भी लेकर आया था, आई कवर भी कह सकते हैं, मिनीसो से। तो वो भी मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और मिठाई लेकर आया था। और पापा से तो मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उन्होंने इतने अच्छे कपड़े पसंद किए, वो भी अकेले, मतलब बिना मम्मी बिना भाई के हेल्प के उन्होंने इतना कर लिया ना, मतलब बहुत खुश थी मैं। और ये मैजिक फ़ोटो फ्रेम मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ के बच्चे हैं मीतोशा, उन्होंने भेजा था, मुझे पार्सल रिसीव हुआ था। और मम्मा ने ये टोस्ट विभू से भेजे थे, एटा के फेमस है, मतलब फेमस है नहीं बट मुझे बहुत पसंद है, एकदम बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ पे आगरा में उतने अच्छे नहीं मिलते। और ये वाली जो चॉकलेट का डिब्बा मैं दिखा रही हूँ, 5 रुपये का एक स्टिक आती है, मुझे इतनी पसंद है ना, तो ये आशीष ने पूरा डिब्बा ही ला कर रख दिया था। उसके बाद फिर कुछ काम नहीं बचा, तो हमने सोचा हम चलो फोटोज़ ही क्लिक कर लेते हैं। फिर हमने एक जैसे कपड़े पहने, मतलब येलो येलो, और उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, रील्स बनाई। और ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, क्योंकि मैं उतना एक्टिव नहीं थी, और ज़्यादातर मैं आराम ही फरमा रही थी। तो बस थोड़े बहुत अपना मूड अच्छा करने के लिए, क्योंकि हम कहीं बाहर जाने नहीं वाले थे, तो हमने सोचा दिन में ही चेंज करके मन खुश कर लेते हैं। उसके बाद फिर आशीष थोड़ा भाई को घुमाने के लिए जिम ले गए थे, बाहर घूमने चले गए थे ये लोग, तो मैं बस बैठी थी। फिर मुझे जो मेरे नेफ्यू हैं मोलू लक्ष, उन्होंने ये कार्ड दिया, वो फर्स्ट क्लास में, मतलब मुझे उनसे भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, विदाउट एनी हेल्प उन्होंने इतना अच्छा ग्रीटिंग कार्ड बनाया। फिर मम्मा आ गई थी, तो उनके साथ हमने चाय, सैंडविच, नाश्ता किया, बहुत सारी बातें की। फिर रात भी हो गई थी, इन लोग के आने का टाइम था, तो बच्चों ने ज़िद करके आग जलवा ली। उसके बाद हमने इसमें आलू भूने, हाथ तापे, बहुत सारी बातें करी, इतना मज़ा आया। फिर हम सब ने सोचा कि अब मतलब लेट बहुत हो गया था, 10:30 हो रहे थे, मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड था, तो मैं कुछ आगे का शूट नहीं कर पाई। बस ये था लास्ट में हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया था, बस साथ में सबने खाना खाया, और बातें करते करते हम कब सो गए मालूम नहीं पड़ा। और इतना अच्छा दिन गया, मतलब एक होता ना जब आपके फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं और आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो इतना स्पेशल बना देते हैं दिन को। तो मैं बहुत थैंकफुल थी कि कुछ ना करके भी इतना अच्छा दिन मेरा गया।